चौथे प्रकरण में श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बात आई है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रद्धा तो करोगे, आदेश है कि श्रद्धा करो बेटा। श्री शंकराचार्य भगवान ने जो साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति और मोक्षा, उसमें समाधि सत्संपत्ति यदि आपको याद हो, काम दान उपरति चिकित्सा श्रद्धा समाधान, तो पांचवी संपत्ति श्रद्धा है। जो गुरु प्राप्त पर श्रद्धा नहीं करेगा, जो आत्मा के अस्तित्व पर ही श्रद्धा नहीं करेगा कि वो कैसा असंग है, वो असंगता की जिज्ञासा भी कैसे करेगा। इसलिए तीन साधन गीता में बजरंग बताए हुए हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन साधन बजरंग में। प्रणिपात माने अपने अहम को छोड़कर अपनी श्रेष्ठता का अभिमान छोड़कर दूसरे के बड़प्पन को स्वीकार करना, परिप्रश्न प्रश्न भी ठीक ठीक करो जिससे मालूम पड़े कि तुमने उस विषय में कभी कोई चिंतन किया, ऐसे किसी से पूछना हुआ लक्ष्य मार लिया, कभी उस विषय पर पांच मिनट विचार भी किया है कि नहीं। तो प्रश्न माने अपने मन की दुविधा को जिज्ञासा को पूरी तरह से परिप्रश्न तदविधित प्रणिपातेन परिप्रश्न निपात भी प्रकृष्ट है और प्रश्न भी परिता है। पूछिए गंभीर दृष्टि से पूछिए और सेवया, ये नहीं कि 50 वर्ष में किसी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है और आपने एक सिगूफा छोड़ दिया सवाल का और वो उसको बता देगा, नहीं। सेवा उपदेश चिंतते ज्ञानम ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनः, विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, वो छिपा नहीं है, नहीं वो तो बता रहे हैं। यदि केवल ब्रह्मनिष्ठ होंगे तो उनकी भाषा हृदयंगम करने में कठिनाई होगी, और यदि केवल श्रोत्रिय होंगे तो वे अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए ज्ञानिन तत्वदर्शन का अर्थ है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जैसा कि मुंडकोपनिषद में है। गुरु विद्वान भी चाहिए और साथ साथ अनुभवी भी चाहिए। उपदेश तो कर देंगे परंतु केवल उपदेश करने से ही ग्रहण नहीं होगा। देखो ज्ञानिन तत्वदर्शिना, ये तो हो गया उपदेशक का लक्षण, और बहिरंग साधन का लक्षण हो गया तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब अंतरंग साधन ये बताया गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति।
संपत्ति चाहिए। क्योंकि जैसे आप कभी कहीं यात्रा करते हैं या कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए पूंजी लगानी पड़ती है, यात्रा के लिए टिकट लेना पड़ता है, रास्ते के खान पान का प्रबंध करना पड़ता है। तो यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, कुछ लगाना पड़ता है। और जो काम जिस समय करते हो उसके चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैं लिख रहा था, हमें लिखना था सुभाष की रुचि ही सभागे अमान। हुआ क्या कि सुभाषीर में जो सुर है शुभ का सुर वो मैंने दम के सरकार से लिख दिया। विमला मंद जी ने देखा तो बता दिया उसको ठीक कर दिया। मेरे मन में विचार आया कि आखिर मैंने ये तालब के स्तर की जगह दम के स्तर लिखने की गलती कैसे कर दी। ये गलती तो हम 5 वर्ष की उम्र में भी नहीं कर सकते थे। निकला क्या कि हमारी बुद्धि सुभाषिता की जगह सभाजयामक पर चली गई। माने जहां हम लिख रहे थे वहां से बुद्धि आगे बढ़ गई। तो जो क्रम क्रम से साधन के स्तर को समझता नहीं चलता है, अपने अधिकार से बहुत आगे की बात, अपने कर्तव्य से बहुत आगे की बात सोचने लगता है, उससे गलती होती है। अब सुभाषी भी में 4 अक्षर हमारी बुद्धि आगे बढ़ गई और सभाजयामक का जो स्तर था दम के वो आके सारथ की जगह बैठे हैं। तो हम लोग साधन करने में ये जो सबसे ऊपर की सबसे ऊंची सबसे बड़ी बात को अपनाना चाहते हैं उससे ये होता है कि पहले ही गलती हो जाती है, बाद वाली निष्ठा तो जीवन में आवेगी कैसे। श्रद्धा जो है वो हमको स्थिर करते हैं। श्रद्धा हमारी मनस्थिति को स्थिर करने में सबसे अधिक सहायक है। दूसरी बात उसमें बताई गई तत्परा, तत्परायण हो जाए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग करना पड़े, जो तपस्या करनी पड़े, उसके लिए तत्पर तैयार हो जाए। और तीसरी बात है संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को वश में रखे। तो हृदय में होनी चाहिए श्रद्धा, परंतु श्रद्धा होने पर भी यदि आचरण न हो, तत्परता न हो, तो श्रद्धा बिचारी अकेली बांध रह जाएगी। अच्छा श्रद्धा भी हो और आचरण भी हो, आचरण हो और श्रद्धा न हो तब भी सफलता नहीं मिलेगी, श्रद्धा हो आचरण न हो तब भी सफलता नहीं मिलेगी, और दोनों हो जीवन में लेकिन इंद्रियां वश में न हो। जो कुछ ज्ञान हुआ ध्यान हुआ वो कहीं आंख से रूप निहारने में गया, कहीं कान से तारीफ सुनने में गया, कहीं जीभ से खाने पीने में गया, कहीं त्वचा से आलिंगन चुंबन करने में गया। यदि इंद्रियां वश में नहीं रही
तो श्रद्धा और तत्परता होने पर भी ज्ञान होता नहीं है। प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए हो सकता है, विदेशों में जाने के लिए व्याख्यान देने को हो सकता है, लेकिन अपने स्वरूप का जो बोध है वो नहीं हो सकता। स्वरूप के बोध में सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि हम स्व पदार्थ का शोधन नहीं करते। मैं को मानते हैं शरीर या कर्ता या भोक्ता या परिच्छिन्न। मैं को बहुत छोटी जगह पर बैठाकर और फिर सोचने लगते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। जब तक इस छोटी जगह पर से अपना मैं नहीं उठेगा, ये अन्नमय नहीं है, प्राणमय नहीं है, मनोमय नहीं है, अन्नमय नहीं है, केवल इतने सोच लो। इतनी बात अगर मन में पक्की हो जाए कि अन्न रस से बना हुआ ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, तो जो तुम हो उसको ब्रह्म जान सकते हो। परंतु आप जानते ही हो अन्न से मन बनता है, अन्न से मन बनता है और तेज से गर्मी से वाणी बनती है और जल से प्राण बनता है। तो ये जो अन्न जल और तेज से बना हुआ ये त्रिवृत शरीर है, इसमें मैं रख करके जो अपने को असंग सोचता है, साक्षी सोचता है, ब्रह्म सोचता है, उसका सोचना कभी सफल नहीं होता। वो झूठ मूठ का ब्रह्म ज्ञानी होता है। सच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो ही नहीं सकता जो अपने व्यक्तित्व से मैं को ऊपर न उठा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्म होता है। ये हड्डी मांस चाम का जो नन्हा सा व्यक्तित्व है, इसको मैं मानते हुए अपने को ब्रह्म कहना, ये तो वेदांत की दृष्टि से भी अपराध ही है। अज्ञस्यात्म प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति जो बढ़े महानिर्णय जाले सतेन विनिपाता सतेन विनियोजिता। तो सबसे पहला काम ये है कि चाहे आप विवरणकार के प्रतिबिंब को, चाहे वार्तिककार के आभास को, जब दोनों एक ही हैं वैसे दोनों शंकराचार्य के, उन्होंने रूपम रूपम प्रतिबिंबों बहुगत श्रुति को ले लिया और उन्होंने माया भाषेन जीवेशो करोति श्रुति को ले लिया, उन्होंने आभासे वचन सूत्र को ले लिया और उन्होंने सूर्य कादिवत सूत्र को ले लिया, दोनों शंकराचार्य के शिष्य। चाहे प्रतिबिंब लो चाहे आभास, चाहे भामतीकार का अवच्छेदवाद लो और चाहे दृष्टि सृष्टि, अद्भुत है ये माया। इस परिच्छिन्न व्यक्तित्व से मैं की पृथकता का बोध हुए बिना, इसका विवेक हुए बिना, केवल जो अपने को ब्रह्म मान लेगा उसको ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती। जागृत अवस्था पर विचार करो, सृष्टि सृष्टिवाद सिद्ध हो जाएगा। स्वप्नावस्था पर विचार करो, यत्र यत्र दृष्टि तत्र तत्र सृष्टि सिद्ध हो जाएगी। सुषुप्ति अवस्था पर विचार करो तो दृष्टि रेव सृष्टि ही ये सिद्ध हो जाएगा। परंतु ये सब की सब अविद्या की वृत्ति है,
जब अपने स्वरूप को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है तब न प्रतिबिंब रहता है न आभास, होते हुए भी आकाश की नीलिमा के समान सब अर्थ शून्य होते हैं, न अवच्छेद रहता है और न दृष्टि सृष्टि। इसलिए बाबू सद्गुरु पर श्रद्धा करो कि ये तत्वज्ञ है, वेदांत पर श्रद्धा करो कि इसमें जो बात कही गई है वो सत्य है, और बिना श्रद्धा किए आपकी जिज्ञासा जो है जिज्ञासा ही धूमिल रह जाएगी, अंधी रह जाएगी जिज्ञासा। श्रद्धा करो कि वेदांत सत्य है, सद्गुरु सत्य है, इसमें जो उपदेश किया हुआ है वो सत्य है, और उस सत्य का साक्षात्कार हमको करना है। आपके साक्षात्कार की इच्छा में आकांक्षा में दृढ़ता ही तब आएगी जब श्रद्धा करोगे। ज्ञान होने के बाद श्रद्धा नहीं की जाती, ज्ञान होने के पश्चात तो अनुभव ही है, साक्षात अपरोक्ष अनुभव है। अविद्यत्वे सति अपरोक्षम व्यवहार योग्यत्व, जो स्वप्रकाश है नारायण उसका आवरण भंग ही तब होगा नारायण जब पहले आप श्रद्धा करोगे। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धावान ही अधिकारी का लक्षण है, और इसी से ज्ञान होता है। तो उसका तात्पर्य ये है कि किसी भी जाति में पैदा हुआ हो और किसी का भी बेटा हो, उसके माँ बाप और परंपरा का पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो सत्य का प्रेमी है और सत्य बोलता है, जैसी जानकारी अपनी माता से उसको मिली है उसने जाकर गुरु के सामने बिल्कुल सत्य सत्य कह दिया, ये जो उसकी सत्य में प्रीति है वो ये सिद्ध करती है कि उसमें सत्य के साक्षात्कार की योग्यता है। वो जो परंपरा से पवित्र हो उन्हीं को तत्वज्ञान होगा, ये नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं में सच्चा सत्य का जिज्ञासु होगा उसको तत्वज्ञान होगा, वो चाहे किसी देश में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ हो, किसी संप्रदाय का हो, सत्य का प्रेमी होना आवश्यक है। किसी से जो लोग व्यवहार में बेईमानी करते रहते हैं वो समझते हैं कि असत्य से हमको लाभ होगा, असत्य से हमको सुख मिलेगा, असत्य से हम दूसरों को अपने काबू में कर लेंगे। वे लोग सत्य के प्रेमी नहीं है, इसलिए उनके मन में सत्य की सच्ची जिज्ञासा भी नहीं हो सकती। क्या करेंगे लेकर सत्य, जब असत्य से ही उनका सारा काम चल रहा है तो वो सत्य लेकर भी क्या करेंगे। इसलिए सत्य के प्रेमी को ही तत्व ज्ञान होता है। सत्य काम का अर्थ उपनिषद में यही होता है, वो सत्य काम जाबाली जो है उसकी माँ को मत देखो, तुम्हारे शरीर की माँ तो पंचभूत है,
नारायण तो पंचभूत को ज्ञान कैसे होगा, वो तो जड़ है। नारायण इसलिए जो सत्य का प्रेमी है वही ज्ञान का अधिकारी है। उसमें राष्ट्रीयता, प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता, परंपरागत पवित्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य का सच्चा जिज्ञासु होना चाहिए। और आपको गड़े मुर्दे उठाने हो तो मिल लीजिए सत्यकाम की माँ से एक बार। उसने अपने बेटे से जो बात कही वो आप अपने बेटे से नहीं कह सकते। तो ब्रह्म के चार चरण का क्या वैसे चार चरण का अर्थ हम लोग इतना ही करते हैं। अरे वो सिख वगैरह का किया, समुद्र वगैरह का, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे कल आप धीरे धीरे बढ़ा रहे सर। वैसे हमारे पास कोई हमारे पास चांदो जो उपनिषद भी है एक भी वेदांत के पुस्तक नहीं, कोई उपनिषद नहीं है।